मूवी की शुरुआत होते ही हमें यह दिखाया जाता है कि यह टाइम वर्ल्ड वार के 300 साल बाद का टाइम है, यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी की पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी। उस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में एक रोबोट मिलता है, और यह कोई आम रोबोट नहीं था बल्कि यह एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की होती है। डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर करता है और उसे एक नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वह रोबोट सोकर उठती हैं, जो कि एक लड़की होती हैं। वह यह नई बॉडी पाकर काफ़ी खुश होती हैं। फिर वह रोबोट डॉक्टर से पूछती हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आ गई और कहाँ से आई। तब डॉक्टर को यह बात खुद भी पता नहीं थी कि वह कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम मुझे गार्बेज में मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट था। बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके ठीक कर दिया, यानी कि हमने एक बॉडी और तुम्हारे शरीर के साथ जोड़ दी। इसके बाद डॉक्टर उसे घर के बाहर की दुनिया दिखाता है। वह इस सिटी को देखकर काफ़ी खुश होती हैं और वह उसे स्पेसशिप को भी देखती हैं, और वह डॉक्टर से पूछती हैं कि यह क्या चीज़ है, क्या यह कोई नई दुनिया है। डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी, यह एक स्काई सिटी है और उस स्काई सिटी में ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर अब उस रोबोट को एक नाम देता है और उसे कहता है आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। अपना यह नाम सुनकर एलिटा काफ़ी खुश हो जाती हैं। डॉक्टर एलिटा को यह भी बताता है कि ज़मीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद एलिटा एक लड़के से मिलती हैं जिसका नाम हुगो होता है। जब हुगो एलिटा की बॉडी को देखता है तो वह उसकी काफ़ी तारीफ करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी। और अब हुगो और एलिटा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर होता है जो लड़कियों को कैप्चर करके मार देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को बेच देता था। उसी रात एलिटा डॉक्टर को, जो कहीं बाहर से वापस घर आ रहे थे, एलिटा कहती हैं कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा होता है। इसे देखकर वह सोचती हैं कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं कहीं वह किलर डॉक्टर ही तो नहीं। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है, क्योंकि उन दोनों में सेपरेट हो गया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर ने जो बॉडी एलिटा को लगाई है वह असल में उसकी बेटी की थी, क्योंकि उसकी बेटी तो मर चुकी थी इसलिए उनकी बॉडी को उन्होंने एलिटा को दी। इसके बाद हम देखते हैं कि हुगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है, और यह गेम सिटी में काफ़ी फेमस होता है। एलिटा भी वह गेम खेलती हैं और सबको इम्प्रेस कर देती हैं, क्योंकि वो गेम काफ़ी अच्छे से खेलती हैं और जीत जाती हैं। इसके बाद हुगो एलिटा को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है, और यहाँ से स्काई सिटी भी काफ़ी नज़दीक दिखाई देता है। वह यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पाइप भी होता है। हुगो बताता है कि यहाँ ज़मीन पर स्काई सिटी का सारा गार्बेज इसी पाइप के जरिए ही नीचे फेंका जाता है। मैं भी स्काई सिटी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम देखना, एक दिन मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है, जिस पर हुगो उसे बताता है डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज से ही उठाया है, और यह गार्बेज ऊपर स्काई सिटी से यहाँ नीचे फेंका जाता है। इसका मतलब तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन एलिटा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वह अपना सारा पास्ट भूल गई होती है। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाता है तो एलिटा उसका पीछा करती है, और यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है, वह एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वे होते हैं जो किलर को मारते हैं और बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री में ले जाकर बेच देते हैं। इसके बदले में काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलता है। इतनी देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है, और यह वही किलर होता है जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता था। एलिटा किलर का मुकाबला करती हैं और उसे इतना मारती हैं कि उसे वहाँ से भागना पड़ता है, और वह एक दूसरे किलर को मारने में कामयाब भी हो जाती हैं। और अब वो किलर की बॉडी को लेकर फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी स्टोरी बताते हैं, आखिर वह हंटर वॉरियर कैसे बने और क्यों बने। डॉक्टर बताता है कि मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी मिलकर रहा करते थे, और फिर उन्होंने एक दिन एक रोबोट बनाया, और वह रोबोट एक दिन आकर उनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इस घटना के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफ़ी गुस्सा आया, और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट खत्म कर दिया और उसे मार दिया। इसके बाद डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। असल में सिटी में रहने वाली रेस का ओनर वही था, और वेक्टर इस गेम को कंट्रोल कर रहा था। वेक्टर के साथ हम उस डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई हैं और उसके साथ काम करती हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वह उसे स्काई सिटी भेजेगा
फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे पहली बार रात एलिटा ने बहुत मारा था। वह रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी हालत एलिटा ने की है, जिस पर वेक्टर को उसे काफ़ी बुरा भला कहता है। तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। इस पर रोबोट कहता है कि वह कोई आम बच्ची नहीं है, वह एक पावरफुल रोबोट है। इस पर वेक्टर उसे कहता है कि अब तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें जाकर उसे एलिटा को मारकर यहाँ लाना है। दूसरी तरफ हुगो एलिटा को रेस दिखाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ उसे बताता है कि जो इस रेस को जीतेगा वह स्काई सिटी में जाएगा। यह बात सुनकर एलिटा काफ़ी खुश हो जाती हैं। फिर हुगो एलिटा को एक शिप दिखाने के लिए शहर से बाहर लेकर जाता है। हुगो बताता है कि यह शिप 300 साल पुराना है। एलिटा जब उस शिप को देखती हैं तो वह काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती हैं, इसलिए एलिटा पानी में कूद कर उस शिप के अंदर जाती हैं। एलिटा को शिप के अंदर एक हाईटेक बॉडी मिलती है। एलिटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर को कहती हैं कि वह इस बॉडी को मेरे शरीर के साथ जोड़ दें, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वह बताते हैं कि यह बॉडी काफ़ी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन लगे हुए हैं और अगर यह बॉडी तुम्हारे शरीर के साथ फिट कर दी गई तो तुम काफ़ी खतरनाक हो जाओगी और सिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हो। यह सुनकर एलिटा काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं। इसके बाद एलिटा फैक्ट्री में चली जाती हैं और वहाँ जाकर बस डिसाइड करती हैं कि वह भी अब एक वारियर हंटर बनेगी। अब वह हुगो के साथ एक क्लब में जाती हैं जहाँ पर सिटी के सारे हंटर बैठे हुए थे और वह सब लोगों को उकसाती हैं कि हमें वेक्टर के सब रोबोटों को मार देना चाहिए क्योंकि यही वह किलर हैं जो सिटी के सब लड़कियों को मार रहे हैं। उनमें से एक हंटर एलिटा को काफ़ी मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि साइज में तो तुम इतनी छोटी हो, तुम शहर के किलर को कैसे मारोगी, आखिर तुम वारियर हंटर बन कैसे गई। यह सुनकर एलिटा उसे काफ़ी मारती हैं और उसका मुकाबला करती हैं। यह देखकर सारे हंटर हैरान रह जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है। वह साइज में काफ़ी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर के वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। अब वह रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और बदले में एलिटा भी उस पर अटैक कर देती हैं। अब वह रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। एलिटा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे अंडरग्राउंड में चली जाती हैं और यहाँ पर दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में वह रोबोट एलिटा को मार डालता है, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर हुगो आ जाते हैं और उसे रोबोट को मुकाबला करते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। डॉक्टर एलिटा की कटी हुई बॉडी को लेकर घर आ जाते हैं। अब एलिटा की बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए डॉक्टर एलिटा द्वारा शिप से लाई गई बॉडी को एलिटा के साथ जोड़ देता है। अगली सुबह एलिटा उठती हैं तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी। वह इस नई बॉडी को पाकर काफ़ी खुश थी। अगले दिन एलिटा हुगो से मिलने जाती हैं और उसे अपनी बॉडी के बारे में बताती हैं। जब हुगो उसकी बॉडी को देखता है तो वह काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पर हुगो एलिटा को बताता है कि वह भी स्काई सिटी जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को पॉइंट चाहिए। यह पॉइंट या तो किसी इंसान को मारकर लिए जाते हैं या उसे रेस को जीतकर हासिल किए जाते हैं। यह सुनकर एलिटा हुगो को अपना दिल निकाल कर दे देती है और कहती है कि यह लो, इसे सेल कर दो जिसके बदले में तुम्हें काफ़ी पॉइंट मिलेंगे और तुम स्काई सिटी जा सकते हो। एलिटा का दिल कोई नॉर्मल दिल नहीं होता है, वह एक पावरफुल दिल होता है जिससे पूरे सिटी को कई दिनों तक लाइट मिल सकती है। लेकिन हुगो एलिटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हें इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है और कहता है कि तुम्हें भी रेस में पार्टिसिपेट होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम रेस को जीत जाती हो तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। यह बात सुनकर एलिटा एग्री हो जाती हैं और वह इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि वह हुगो को पसंद करती हैं। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर और हंटर को हायर करता है एलिटा को मारने के लिए। वह सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में एलिटा को मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे एलिटा ने काफ़ी मारा था और अब वह एलिटा से बदला लेना चाहता था और अब वह अपना यह बदला हुगो से लेने वाला था, इसलिए अब वह एक आदमी को मारकर इसका सारा इल्ज़ाम हुगो पर डाल देता है। अब क्योंकि हुगो पर किसी को मारने का इल्ज़ाम था इसलिए वह एक किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जिसने अब रेस में भाग ले लिया हुआ होता है। अब रेस स्टार्ट होने वाली होती है। हम देखते हैं कि इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं वह सब एलिटा को मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं और एलिटा पर अटैक करते हैं, लेकिन एलिटा भी कम नहीं थी इसलिए सबका मुकाबला करती हैं और एक एक कर सबको मारने लगती हैं। तभी एलिटा के पास हुगो का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके पीछे वह हंटर पड़ गया है, वह उसे मारना चाहता है। तब एलिटा उस रेस को छोड़कर हुगो को बचाने के लिए चली जाती हैं। जब एलिटा उस हंटर के पास जाती हैं तो उसे काफ़ी मारती हैं। इधर पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि हुगो एक किलर बन गया है, जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। तभी हुगो को मारने के लिए वह सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि हुगो किलर हैं, उसे मारना ज़रूरी है।
इसलिए सारे लोग एलिटा को कहते हैं कि वो हुगो को मार डाले, लेकिन वो हुगो को नहीं मारती, लेकिन वारिस हंटर तलवार से हुगो को मार डालता है। और तब भी वह डॉक्टर की वाइफ आ जाती हैं जो एलिटा को कहती हैं कि हुगो के सिर को काट कर साथ में ले जाओ और उसकी बॉडी को हम एक रोबोटिक बॉडी से जोड़ देंगे और ठीक कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वह अच्छी हो गई थी। वह ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि वह दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर एलिटा ऐसा ही करती हैं और वह सब को दिखाने के लिए हुगो का सिर काट कर सबके सामने दिखा देती हैं। लेकिन बाद में हुगो के सिर को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती हैं, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके हुगो के सिर के साथ दूसरी बॉडी को जोड़ देता है, जिससे हुगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे एलिटा और हुगो दोनों काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब दोनों के पास एक जैसी बॉडी थी। डॉक्टर एलिटा को यह भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों स्काई सिटी में पैदा हुए थे और हम यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और उसके बाद यहीं पर फंस गए। इस पर एलिटा को काफ़ी गुस्सा आता है और वह वेक्टर को मारने के लिए चली जाती हैं। एलिटा सीधा फैक्ट्री में जाती हैं, जहाँ पर वेक्टर की सारी मशीनरी एलिटा पर हमला कर देती हैं। लेकिन एलिटा काफ़ी पावरफुल बॉडी के साथ ही, इसलिए वह सबका मुकाबला करती हैं। सब मशीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब एलिटा वेक्टर को मारने के लिए जाती हैं, लेकिन वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो एलिटा पर अटैक कर देता है, जिससे एलिटा इंजर्ड हो जाती हैं। और तभी एलिटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी कि उसकी मेमोरी वापस आ जाती हैं। एलिटा देखती हैं कि वह एक फाइटर थी और उसने वर्ल्ड वार में भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि आज से तकरीबन 300 साल पहले हुआ था। लेकिन उस वार में एलिटा के सारे फ्रेंड्स मारे गए थे और एलिटा भी इंजर्ड हो गई थी और उसकी बॉडी को नष्ट करके गार्बेज में फेंक दिया गया था। और यहाँ पर एलिटा को अब सब कुछ याद आ जाता है कि यह सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा है। यहाँ पर उसको याद आ जाता है कि उसका मकसद तो स्काई सिटी के मालिक को मारना था। तभी रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और एलिटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के दो टुकड़े कर देती हैं और तलवार से वेक्टर को भी मारती हैं। तभी वहाँ डॉक्टर की कॉल आ जाती हैं, जो उसे बताते हैं कि हुगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। एलिटा भी हुगो का पीछा करते हुए उसके पीछे पाइप पर चली जाती हैं। वह उसे समझाती हैं कि तुम्हें स्काई सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया के में रहकर साथ रहेंगे। ऐसा सुनकर हुगो मान भी जाता है, लेकिन यह सब स्काई सिटी का मालिक सब देख रहा था, इसलिए वह उन लोगों पर एक हथियार छोड़ देता है, जिससे हुगो की सारी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एलिटा हुगो का हाथ पकड़ लेती हैं, लेकिन एलिटा से उसका हाथ छूट जाता है, जिससे वह हुगो काफ़ी नीचे गिर जाता है। हुगो को खोकर एलिटा काफ़ी दुखी हो जाती हैं और वह रोने लगती हैं। अब एलिटा डिसाइड करती हैं कि वह स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, उसे मार देगी, क्योंकि वह हुगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि एलिटा वह रेस जीत जाती हैं और वह अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ करती हैं और कहती हैं कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।